देश के जैन मंदिरों में चोरी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14 जुलाई को इटावा थाना एकदिल क्षेत्र के अंतर्गत शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर आसई में शातिर चोरों ने मंदिर के जंगले को तोड़कर प्रवेश किया, जिसके बाद दान पात्र पर अपना हाथ साफ किया। 14 जुलाई को इटावा थाना एकदिल क्षेत्र के अंतर्गत शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर आसई में शातिर चोरों ने मंदिर के दान पात्र पर अपना हाथ साफ किया। कमेटी के कोषाध्यक्ष रितेश जैन प्रातःकाल मंदिर गए। जब मंदिर पहुंचे तो मेन गेट खुला पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो दान पात्र ही नहीं था, मंदिर के पीछे जंगला कटा हुआ था। दान पात्र टूटे हुए ताले चोर उठा ले गए। महामंत्री कमल जैन ने बताया कि गुल्लक एक साल पहले खोली गई थी। दान पात्र में लगभग 40 से 50,000 रुपए होने चाहिए। प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दें। अक्सर क्षेत्र आसई में दर्शन हेतु हमारे कोषाध्यक्ष रितेश जैन आए थे। मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि दरवाजे के ताले टूटे, ताले नहीं है, गायब है। अंदर गए तो अंदर से गोलक गायब थी। पीछे जाकर देखा तो जाल कटा हुआ था। रात में चोर तार को काट के अंदर प्रवेश किए, ताला काट के साथ ले गए और गोलक भी साथ ले गए। गोलक पिछले एक साल से बंद है, उसमें कितना धन है इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अमूमन 30-40 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये तक उसमें धनराशि हो सकती है। चौकी पुलिस को 112 से सूचना दी गई। इसकी सूचना 112 नंबर से पुलिस को दी गई। मौके पर चौकी इंचार्ज ने घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया और कहा जल्द जांच पड़ताल कर चोरों को गिरफ्तार करेंगे। मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अनिल जैन, निर्मल जैन, सुमन जैन, ज्ञानेंद्र जैन आदि समाज के लोग मौजूद रहे। जैन फोकस के लिए इटावा उत्तर प्रदेश से अभिनंदन जैन नंदू की रिपोर्ट।